अपना बनाना है तो उनके दुख दर्द से वाकिफ होना बहुत जरूरी होगा। उनके लिए हर कदम पर साथ देना होगा और ऐसा ही कर रहे हैं उपाध्यक्ष के प्रत्याशी शकल देवदास। नगर पंचायत चुनाव के कारण हर प्रत्याशी अब जनता के बीच में नजर आ रहा है। जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। बता दें बिहार में नगर पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है और सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी जनता के संपर्क में भी है। जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र से नगर परिषद उपाध्यक्ष से प्रत्याशी हैं शकल देवदास। शकल देवदास छात्र जीवन से ही सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रही हैं और इसके साथ ही हमेशा इनका योगदान समाज में होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा जनता को ध्यान में रखते हैं और उनके लिए तमाम कार्य भी करते हैं। ऐसे ही हैं शकल देवदास। शकल देवदास 2000 से सक्रिय राजनीति में हैं और वर्तमान में वो बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव भी हैं। देवदास 2007 में प्रथम बार अपने वार्ड नंबर 26 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े लेकिन कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। 2007 में चुनाव हार जाने के बावजूद शकल देवदास ने जनता का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा जनता के लिए हाजिर रही। 2012 के नगर परिषद चुनाव में शकल देवदास ने पुनः अपने वार्ड नंबर 26 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें जनता का समर्थन मिला और चुनाव में जीत हासिल हुई। शकल देवदास 5 वर्षों तक अपने वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद बनकर प्रतिनिधित्व किए। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में शकल देवदास ने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल में मैंने अपने वार्ड नंबर 26 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उसको वार्ड के धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, हमेशा जनता के लिए हाजिर रहा हूं। उन्होंने बताया वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद के रूप में मैंने 5 वर्षों के कार्यकाल में 150 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 400 लोगों को पेंशन, 150 स्ट्रीट लाइट, 500 लोगों के घर में शौचालय का निर्माण, 800 लोगों को राशन कार्ड, वार्ड में जगह जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, वार्ड में साफ सफाई करवाना, इस तरह के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आपको बता दें शकल देवदास अपने क्षेत्र में लगातार जनता की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। शकल देवदास हमेशा लोगों के साथ होते हैं, लोगों को जब भी उनकी जरूरत होती है वो साथ होते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को राशन का पैकेज बना कर दिया, गरीब लोगों को आर्थिक मदद, लड़कियों की शादी में भी आर्थिक मदद करती है। इस बार 2022 के नगर परिषद के चुनाव में शकल देवदास जमुई नगर परिषद उपाध्यक्ष के प्रत्याशी बने हैं। शकल देवदास ने कहा अगर जमुई नगर परिषद क्षेत्र की जनता मुझे अपना समर्थन देकर उपाध्यक्ष बनाती है तो मैं जमुई नगर परिषद क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा, नगर में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगा, नगर के लोगों के लिए छोटे छोटे उद्योग लगवाऊंगा, दूरदृष्टि सोच के नगर का विकास कार्य करूंगा और जमुई नगर परिषद क्षेत्र को एक आदर्श नगर परिषद बनाऊंगा। शकल देवदास ने 2022 के चुनाव में क्षेत्र की जनता से अपील की, वार्ड पार्षद के कार्यकाल को देखते हुए अगर मैंने अच्छा कार्य किया है तो मुझे नगर परिषद जमुई के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन देकर एक बार जमुई नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनकर प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। अब देखना यह होगा कि जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। इन दिनों बिहार में नगर निकाय का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। आज मैं जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र में आया हूं। यहां से उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं शकल देवदास जी, क्योंकि इस बार नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों का जो चुनाव होने वाला है वो जनता के द्वारा होने वाला है। पहले क्या होता था कि जो वार्ड पार्षद चुने जाते थे उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता था, लेकिन इस बार बिहार सरकार का जो गाइडलाइन आया है, इस बार का जो नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा। तो जमुई नगर परिषद क्षेत्र से उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं शकल देवदास जी। इस बार आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे कि इनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के उपाध्यक्ष में चुनाव जिताती है तो ये अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। शकल देवदास जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप बताएं इस बार अपने क्षेत्र से वार्ड उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हैं जी, क्यों आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं क्षेत्र से जुड़ा हूँ रहा हूँ और मैं इसके पूर्व में भी पार्षद रहा हूं और पार्षद के दौरान में मैं अपने क्षेत्रों में जितने काम हुई है उसमें मैं सबसे ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में किया हूं, चाहे वो आवास का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं, बिजली सड़क और जल नल योजना का काम भी
हम अपने वार्ड में पूरा कराए हैं और सबसे ज़्यादा नगर परिषद जो 30 वार्ड है उस वार्ड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत में राशन कार्ड बना है वो सबसे ज़्यादा हम अपने क्षेत्र में बनवाए हैं। लेकिन मैं वार्ड पार्षद के हैसियत में सिर्फ अपने ही क्षेत्र में काम कर पाया हूँ। अगर हमें जम्मू की जनता मौका देती है तो हम पूरे नगर में विकास का गंगा बहाने का काम करेंगे। जो जम्मू नगर की प्रमुख समस्या है उसे हम जरूर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जल निकासी की समस्या हो, बिजली पानी की समस्या हो, नाला की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या अन्य जो नगर से संबंधित समस्या हो उसे निदान करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। अब वार्ड पार्षद कब थे? हम 2012 से लेकर 2017 तक वार्ड पार्षद रहे। जब आप अपने क्षेत्र में वार्ड पार्षद रहे 5 साल, तो आपका विशेष योगदान आपके क्षेत्र में क्या रहा? आप 5 साल में प्रमुख रूप से क्या क्या काम किए अपने क्षेत्र में? मेरे वार्ड कहने का तो नगर में था लेकिन यहाँ नगर का कोई रूप नहीं था। जब हम वार्ड पार्षद बने तो यहाँ सबसे पहले हम जो प्रमुख समस्या यहाँ जल निकासी की थी उसे ठीक करने के काम किए और हमारे वार्ड में जो भी काम अभी आपको दिख रहा है वो मेरे ही किया हुआ दिख रहा है। जो अभी वर्तमान वार्ड पार्षद है वो कुछ भी काम नहीं कर पाए, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या गरीबों को पेंशन, खाद्य सुरक्षा कार्ड जो वर्तमान में हो, कुछ नहीं कर पाया है। तो इस बात का मुझे दुख है कि अगर मेरे काम को थोड़ा सा भी वर्तमान वार्ड पार्षद आगे बढ़ा दिए होते तो आज जो समस्या थोड़ा बहुत बची हुई है वो भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम नगर उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो जो छोटी छोटी समस्या रह गई है उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जम्मू नगर परिषद क्षेत्र में आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या क्या समस्या है क्षेत्र में? जम्मू नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या बरसात के समय में जब पानी का जल जमाव होता है, निकास का कोई साधन नहीं है। यहाँ आज भी पुराने नाले, जो छोटी छोटी नाला है उससे पानी का निकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेरा प्रयास होगा कि एक DPR बनवा के नगर विकास को भेज के उसे पारित करवा के हम ड्रेनेज की समस्या सबसे पहले नगर में लाने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ का जल जमाव की समस्या है उसका निदान हो सके। और आज भी नगर के क्षेत्र में कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़क नहीं है, नाला नहीं है। आज भी लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, लोग लंबी दूर दूर से तार खींचते हैं जिससे बिजली से खतरा होने की ज़्यादा संभावना है। लोग कई बार अखबार में आता कि बिजली से स्पर्शघात होने से कई लोगों की मौत हो गई है। अगर कवरिंग की व्यवस्था पूरे नगर में हो जाता तो ये समस्या नहीं होती। हम प्रयास करेंगे कि बिजली विभाग से भी बात करके जो कवरिंग का काम चल रहा है उसे तेज़ी से करवाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ की जनता आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर उपाध्यक्ष में चुनाव जिताती है तो आप अपने नगर परिषद क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए या जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए क्या काम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा छोटी छोटी कार्य के लिए, लघु उद्योग के लिए कई योजना चल रही है, लेकिन नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लापरवाही की वजह से जम्मू नगर परिषद में अभी तक इस काम को धरातल पर नहीं उतारा गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर हमको जनता मौका देती है तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, उसे हम रोजगार देने का काम करेंगे। लास्ट प्रश्न हमारा रहेगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र जम्मू नगर परिषद के क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस 2022 के नगर परिषद चुनाव में? हम नगर परिषद जम्मू के सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम जैसे युवाओं को मौका दे, शिक्षित लोगों को मौका दे ताकि क्षेत्र की विकास हो सके। जात पात धर्म से उठकर हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि लोग हमें जानते हैं, हमारे व्यवहार विचार को भी देखे हैं। हम सबको मिला के चलने वाले लोग हैं, हम किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ में नहीं करते हैं। हम गरीबों की प्राथमिकता देते हैं, गरीबों के लिए काम करना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तमाम खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा लाइक करें और साथ ही तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और आदर्श भारत TV चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।